होता है ना कि वो इंटरफेरेंस जरूरत भी नहीं होती और फिर भी वो इंटरफेयर करते हैं। देखिए इस फिल्म में इंटरफेरेंस नहीं रही है, जो कि अंदर भी बताया प्रोड्यूसर्स ने और संजू ने, इंटरफेरेंस नहीं, CBFC के कंट्रोल के बाहर था इस फिल्म को सर्टिफाई करना, तो उन्होंने ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया था हमें। एंड वहाँ पर ट्रिब्यूनल वाले ने कहा कि भाई आप अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कीजिए, हम कुछ कट नहीं करना चाहेंगे इसमें से। तो हम इस फिल्म में सिर्फ मॉडिफिकेशन हुआ है, इसलिए इसमें कोई लड़ाई ऐसी थी नहीं। लेकिन जहाँ तक बात है सेंसर बोर्ड वगैरह की, तो मेरा अपना ये मानना है कि सेंसर बोर्ड के लिए पहले तो सरकार को ये तय करनी चाहिए कि क्या सेंसर बोर्ड कट करे, बैन करे या फिर क्लासीफाई करे, ये इस पे बात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मनोज जी, जैसे आपने कहा कि आप बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन डालते हैं, तो क्या आप कैरेक्टर्स एक्टर हैं या फिर आप अपने इम्प्रोवाइजेशन? कोई भी एक्टर जो है ना, एक्टर से एक्टर नहीं होता है, हर एक्टर डायरेक्टर से एक्टर होता है। ये मुझे बात समझ नहीं आती है कि कोई भी एक्टर डायरेक्टर से एक्टर कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टर के विजन पर ही काम कर रहा होता है, डायरेक्टर की जो स्क्रिप्ट है उसी पर काम कर रहा होता है। तो इवेंचुअली जो है हम सब जो हैं उस फिल्म में इसलिए होते हैं क्योंकि किसी की लिखी हुई चुनी हुई स्क्रिप्ट ने हमें एक्साइट किया है, इसलिए हम वहाँ पे हैं। इसलिए हमारी पहली जिम्मेदारी होती है कि हम डायरेक्टर को सेटिस्फाई करें। और इस तरीके की फिल्म में, इस तरीके की स्क्रिप्ट के साथ उस माहौल में शूटिंग के लिए उतरते हैं सेट पे, सो वहाँ के जो डायनेमिक्स हैं वो आपको अपने आप से गाइड करते हैं। जब आपने बात पूछी इम्प्रोवाइजेशन की, सो वो डायनेमिक्स जो अपने आप से गाइड करते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए सब एक्टर्स जो है अपना परफॉर्म। सर मनोज जी, आप इस रोल से कितने आपके फैन के लिए क्या मैसेज है? बस बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसी फिल्म जो भी दर्शक है उन्होंने देखी नहीं है और उनके लिए एक कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। सर आपने मेरी फिल्म इस साल में अलीगढ़ देखी, बुधिया देखी, ट्रैफिक देखी, अलग तरीके की फिल्म थी। अब इस बार मैं आ रहा हूँ आपको हंसाने के लिए, एक ऐसी दुनिया के लोगों से परिचय कराने के लिए जिस दुनिया के लोगों को आप जानते ही नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि जो भी फिल्में आप करते हैं 80% फिल्में वो आप खुद लाइक नहीं करते, तो अगर आप फिल्म लाइक नहीं करते फिर कैरेक्टर में वो प्ले करना कितना मुश्किल होता है अगर आपके लिए? देखिए ऐसा है ना, हम थोड़े एक्सपर्ट कलाकार हैं, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, तो जहाँ पसंद नहीं आती वहाँ भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। तो ये बोलने की बात है कि हर फिल्म में आपको मजा आया, ये कभी सत्य नहीं होता, ये हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में क्योंकि बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं जो हमसे ज़्यादा जिसकी उम्र हो सकती है, यू नो, जो हम हमारे बाद भी जिएगी, तो ये जो फिल्म है सात उचक्के, ये ऐसी फिल्म है जो मेरे मरणोपरांत भी वो फिल्म देखी जाएगी। बाकी फिल्में जो है वो 3 दिन के बिजनेस के लिए बनती है, उनमें आप करके काम निकल जाते हो, आपको पैसा मिल जाता है और आपका घर चलता है। तो जिस दिन लोग सात उचक्के को 100 करोड़ 200 करोड़ दिलाएंगे, उस दिन मैं वादा करता हूँ मैं सिर्फ ऐसी फिल्में करूँगा जो अच्छी हो और जिसमें मजा आए। सर आपने इसके अलावा काफ़ी चुनिंदा फिल्में पढ़ते हैं आप, और काफ़ी मतलब आपका जो रोल है उसकी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, देखिए स्क्रिप्ट को साइन करने से पहले कुछ चंद चीज़ें होती हैं। एक तो प्यार की तरह होता है भाई, आपको पता नहीं होता किस वजह से प्यार हो रहा है ना, तो स्क्रिप्ट जब आप पढ़ते हो आपको लगता है बस मुझे ये स्क्रिप्ट को पे अमल करना है और इस किरदार को निभाना है। तो इसका कोई 1-2-3 कारण नहीं होता, ये अंदरूनी पता नहीं एक मानसिक कारण होता है। सर ये पूछना चाहूँगा, आपने निगेटिव भी किरदार निभाया है, कॉमेडी भी कर रहे हैं, एज एन एक्टर एक इमेज में बांधना ज़्यादा यूजफुल होता है, मतलब ज़्यादा कॉमर्शियल? अब चक्कर क्या है ना, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव तो इंसान भी नहीं होता, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है क्या, है ना, बस वही है। तो मैं इंसान को पेश करता हूँ, जो भी मैं पेश करता हूँ मैं ये नहीं सोचता कि मैं विलन प्ले कर रहा हूँ या हीरो प्ले कर रहा हूँ, नहीं, मैं उस इंसान को पेश करता हूँ और उस इंसान में जो अच्छी बात है और जो खामियाँ हैं दोनों ही पेश करता हूँ। तो बैंक बैलेंस नहीं, मैं कभी उस पर तवज्जो नहीं दिया। मेरे ख्याल से मेरी फिल्में जितने भी मैंने की हैं, जहाँ बहुत बड़ी बजट की फिल्म होती है वहाँ मैं बड़ी फीस लेता हूँ, और जहाँ छोटी बजट की फिल्म होती है वहाँ छोटी फीस लेता हूँ। तो अगर मेरे ख्याल से वैसे ही होना चाहिए ताकि फिल्म की प्रॉफिटेबिलिटी में बात ना आए, तो बस मैं वही उतना मैं जाँच लेता हूँ, परख लेता हूँ, तो काम कर लेता हूँ। थैंक्स सर। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ यार, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो लगता है लोगों को और बड़ा प्यार है लोगों का कि यार उनको मज़ा आता है, तो
बहुत बहुत धन्यवाद है उन सब लोगों का और आगे भी मज़ा आता रहेगा। इतने सारे दिग्गज कलाकार एक ही फिल्म में हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये चूँकि फिल्म बड़ी सुंदर है यार, फिल्म बहुत ही सुंदर फिल्म है। ट्रेलर नॉर्मली किसी भी फिल्म का अच्छा बन जाता है, चूँकि डेढ़ मिनट में पूरी फिल्म का यू नो इट कैन क्रिएट, बट ये जो ट्रेलर है इस फिल्म का ये एक झलक है, पूरी फिल्म ही ऐसी, पूरी फिल्म आपको जैसे कि ना एक सच्ची फिल्म है। तो आप कोई भी फिल्म करने से पहले क्या थॉट प्रोसेस होता है, कोई भी स्क्रिप्ट करने से पहले या फिर क्या खास बात होती है? यार ये मुझे पता नहीं है, मतलब कई बार कुछ कुछ सीन मुझे पसंद आ जाता है, कई बार पूरी फिल्म पसंद आ जाती है, तो डिपेंड करता है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई वो नहीं है ट्रेंड को जो मैं फॉलो करता हूँ कि नहीं ऐसा होना चाहिए तभी मैं फिल्म करूँ। विजय सर, आगे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतनी सारी जो कलाकार होती हैं फिल्म में, मतलब मल्टीपल जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, तो उसमें आपको प्रूफ करने में कितना मतलब चैलेंज होता है कि एक एक्टर के तौर पर आप हैं, मनोज जी हैं, अनुपम खेर हैं, तो टाइम लेंथ क्या वैल्यू रखता है एक्टिंग के हिसाब से? नहीं, सब लोग इकट्ठे होते हैं ना कि एक चीज़ को क्रिएट करने के लिए, तो बड़ी एक टीम वर्क होता है। जैसे एक सवाल वहाँ उठाया गया था ईर्ष्या वाला, तो ईर्ष्या कैसे होगी यार, एक साथ सारे लोग मिलके एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अभी ये इंटरव्यू चल रहा है तो आपने माइक पकड़ा हुआ है, वो कैमरे से, सब टीम वर्क है ना ये। मैं आप पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक चीज़ हटा दो तो वो नहीं होगा, कैमरे हटा दो फिर। जी सबसे पहली वजह तो यही थी कि एज एन एक्टर बहुत डिफरेंट था, ऐसा सोना का जो कैरेक्टर है वो बहुत अलग है, ऐसा मैंने कभी कभी नहीं पोर्ट्रे किया है। बहुत एक्साइटिंग था, बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि सोना जिस दुनिया की लड़की, जितने ही कैरेक्टर्स हैं ये जिस दुनिया के हैं, ऐसे लोगों को मैं कभी मिली नहीं। मैं दिल्ली में रही हूँ, मैंने अपना कॉलेज दिल्ली में किया है, पर मैंने कभी ऐसे लोगों से मिला ही नहीं। सो मैं सिर्फ संजीव सर जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बोलते थे कि मैं जो बोलता हूँ ना बस वो कर, तो मैंने सिर्फ उनका सुनाया और सोना उनके दिल से निकली है। मैंने उसको जैसा जैसा वो कहते गए कि मतलब, तो उसको चलने का भी एक अंदाज़ है और बाल झटकने का भी है और तैयार भी खूब, मतलब तो वो अलग ही तरीके से बात करती है, तो पूरा मैंने जो मेरे डायरेक्टर हैं उनसे ही सारा लिया। और इतने दिग्गज लोगों के साथ फिल्म में काम करने को मिला है, सोने पे सुहागा है वो, मनोज जी, विजय सर, अनुपम सर, के मेनन सर, अनु जी, इतने अमेजिंग एक्टर्स हैं, इतना सीखने को मिला है। कुछ और हो इस फिल्म से ना हो, पर मैं डेफिनेटली आई हैव लर्नड अ लॉट, आई बिकम अ बेटर एक्टर आफ्टर दिस और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस फिल्म। ये बताइए मनोज वाजपेयी, एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, सबसे बड़ी क्वालिटी क्या नजर आती है आपको? इतने साल से वो इंडस्ट्री में है, इतने सीनियर है, आपको जब एक्टिंग कर रहे थे तो कुछ मेंटरशिप करते थे, कुछ गाइड करते थे? जी, उनकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो सबको हेल्प करते हैं एज अ को एक्टर। आई हैड लॉट ऑफ सीन्स विद हिम, उन्होंने हर टाइम दूसरे को एक्टर को हेल्प करते हैं जो बहुत से लोग नहीं करते हैं, और बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स की सीन बेस्ट करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने उनमें नोटिस किया था, हम जब शूट करते थे ना, वो एक शॉट हो गया फिल्म का, वो बैठे रहते थे अपना कुछ ऐसे ऐसे कुछ करके सोचते रहते हैं। तो मैं कहा क्या सोचते रहते हैं, अभी हो तो गया हमारा शॉट जिसमें कोई बात, तो सोच ये सर नहीं, जब तक आपका फाइनल टेक नहीं हो जाता, अभी हमारा क्लोजअप नहीं हुआ, तब तक वी हैव ऑल द चांस कि हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट थिंग दैट ही इज मनोज बाजपेयी इज डन सो मच ऑफ गुड वर्क, बट फिर भी उनकी ये चीज़ कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, किसी और के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए। आज हमने देखा कि आप काफ़ी नर्वस दिखाई दे रही थी, तो उसके पीछे क्या वजह था? नर्वस नहीं थी, बट इतनी देर के बाद वी ऑल आर वेटिंग फॉर दिस फिल्म। फिल्म फाइनली मीडिया देख रहा था पहली बार मैंने खुद ये ट्रेलर देखा, मैंने नहीं देखा हुआ था, सो थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल था जो अब नॉर्मल हो गया है। बहुत अच्छा रहा अनुपम जी के साथ, मैंने इसमें काम किया था, इसके बाद आई डिड अ फिल्म 21 तोपों की सलामी, उनके साथ उसमें बहुत दिन काम किया था, इसमें तो थोड़े दिन ही किया था। और विजय जी, ही इज सो स्पॉन्टेनियस, फैंटास्टिक टू वर्क विद हिम, कैमरा नहीं भी रोल हो रहा था तो कैरेक्टर में ही रहते हैं, और इतनी, और के सर बहुत ही अच्छे हैं, ही इज़ वेरी चार्मिंग और बहुत ही ब्यूटीफुली अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं, इतने इतने डिसेंट रहते हैं, उनको देख के लगता नहीं है कि वो
ऐसी लाइंस जो फिल्म में बोलते हैं या जैसा वो कैरेक्टर, पर उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से। लास्टली मैं पूछना चाहूंगा कि मुंबई में करियर बनाना है, एक्ट्रेस बनना है, तो मुंबई में आप रहेंगे, लेकिन दिल्ली से क्या मिस करती है? दिल्ली में ऐसी क्या खास बात है जो मुंबई में नहीं है? एक्चुअली मैं बॉम्बे में ही रहती हूँ, दिल्ली मैंने सिर्फ कॉलेज किया था अपना, सो आई डिड नॉट स्टे इन दिल्ली फॉर लॉन्ग। पर दिल्ली का जो है, जब तक कॉलेज किया था मुझे वैसे नॉर्मल लगता था, पर दिल्ली का जो ओल्ड दिल्ली का ये फ्लेवर है, वहाँ के जो हम लोग रोज़ शाम को कुछ चटपटा खाते थे, रोज़ अरे यहाँ का ये मशहूर है, बिकॉज द लॉट ऑफ पीपल हमारे फिल्म में जो उस एरिया के थे, और लोग इतने कोऑपरेटिव थे ओल्ड दिल्ली के, हम उनको बोलते थे कि ये स्ट्रीट खाली कर दो, हमें इस मंदिर का, एवरीबडी वॉज कोऑपरेटिव, कोई मतलब इट वॉज अमेजिंग। और छोटे छोटे बाहर से घर लगते हैं, और जिन घरों के अंदर हमने शूट किया है, हवेलियाँ थी अंदर, अंदर ही घर के बड़े बड़े मंदिर थे, तो इट वॉज अमेजिंग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता। विजय राज के मैंने इतने सारे स्टार्स को एक साथ जमा करना, क्या चैलेंजिंग था, आसान था, क्या था आपके लिए? सी ये काम जो है सारा स्क्रिप्ट कर देती है, अगर आपने स्क्रिप्ट अच्छी लिखी है, स्क्रिप्ट अगर आपकी अच्छी है और उसको एक्टर्स जब पढ़ते हैं तो वो अपने आप ही खींचे चले आते हैं। सो इस फिल्म के अंदर में ये चीज़ एक बहुत ही मैजिकल रही कि स्क्रिप्ट जिन जिन एक्टर्स के पास गई सबके सब जो है खींचे चले आए। सो उसमें कोई किसी भी तरीके का डिफिकल्टी हमको फेस नहीं करना पड़ा। ये भी तो मनोज वाजपेयी, आपको पता है मनोज वाजपेयी इमेज एक सीरियस एक्टर के तौर पे, उनको कॉमेडी में लाना ये भी कोई मतलब यूजुअल बात नहीं है, अनयूजुअल बात है, तो कैसे कन्विंस किया आपको कॉमेडी करने के लिए? सी सबसे पहली बात, जैसे फिल्म के अंदर में जो मेरी डायरेक्शन के अंदर में किसी भी एक्टर को ये नहीं कहा गया कि आपको कॉमेडी करनी है, मतलब आपका एक कैरेक्टर है उसको ट्रूथफुली आपने कन्वे करना है और पूरा एक सीरियस पिचिंग पे रहना है। सो मतलब कॉमेडी उनके लिए नहीं थी, देखने वालों के लिए वो कॉमेडी होगी। इनसे जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इन सारे दिग्गज को एक साथ एक फिल्म में लाना काफी डिफिकल्ट बात है, तो ये काम आपको ये सी इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्क्रिप्ट है, उसके बाद में सेटअप देखा जाता है कि जहाँ पर हमारे इतने अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, सो जो एक्टर्स हैं वो सब बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि वेव सिनेमाज है, नीरज पांडे, शीतल भाटिया है, विक्रम मल्होत्रा है, सो एवरीबडी वॉज लाइक कॉन्फिडेंट कि ओके हम कुछ अच्छा कर रहे हैं एंड हमारे एफर्ट्स जो हैं वो वेस्ट जाने वाले हैं। सर जब आप किसी फिल्म को सपोर्ट करते हो क्या उसमें कंटेंट देखते हैं, क्या देखते हैं कि बेसिकली किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, मतलब मार्केटिंग के हिसाब से देखा जाए या मतलब कमर्शियल बेनिफिट के हिसाब से देखा जाए, किस तरह से देखा जाए? देखिए जैसे संजीव ने अभी कहा, मेरे हिसाब से कहानी जो है फिल्म की वो सबसे सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी फिल्म मेकर के लिए, किसी भी स्टूडियो के लिए, और इस कहानी में एक जर्म ऑफ मार्केटिंग होता है। आप एक लफ्ज किसी को बताइए आप क्या बना रहे हैं, सात उचक्के, तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वो पूरी सात उचक्के की जो दुनिया है जो इन्होंने बड़े ही खूबसूरती से परवाया है, सब इन नगीनों को मैं तो कहूँगा लेके इतनी बड़ी बेहतरीन स्टार कास्ट, तो वहीं पे समझ आ जाता है कि किस तरह की फिल्म बनेगी और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, और इसी तरह से हम बहुत एक्साइटेड थे और आज बहुत खुशी और फख्र महसूस हो रहा है फिल्म रिलीज होने जा रही है। और किस तरह टारगेट ऑडियंस होगा इस फिल्म के लिए, टारगेट ऑडियंस क्या होगा, पूरी फैमिली देख सकती है फिल्म को? देखिए फिल्म की रेटिंग आप सभी को मालूम है, ए रेटिंग है, लेकिन इसमें कोई कुछ ऐसा डेरोगेटरी या ऐसा कुछ जो फैमिली ऑडियंस को या किसी को भी चोट पहुंचाए ऐसा फिल्म में कुछ नहीं है, मज़ेदार फिल्म है। मैं तो यही चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, देखें और इन्जॉय करें, इट्स एंटरटेनिंग। इसके अलावा सात चक्के, क्योंकि फिल्म में जो सेंट्रल थीम है उसके अंदर में ये सात कैरेक्टर्स हैं, सो जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि चोर उचक्के, सो उचक्के जो है वो एक नॉन सीरियस चोर है, ठीक है, सो ये फिल्म का हमको बहुत एप्ट टाइटल लगा कि सात लोग हैं तो सात उचक्के फिल्म का नाम रखें।